किसान कड़ी मेहनत कर फसल उगाता है, उसके बदले किसान को कितनी आमदनी होती है ये सभी को पता है। लेकिन खरीदी केंद्र पर किसान की उपज को खरीदने के बाद उसका क्या हाल होता है, इसका मंजर हम आज आपको दिखाएंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसान अपनी उपज बेचने खरीदी केंद्र आता है तो उसके पीछे रुपए मिलने की सोच तो होती ही है, क्योंकि वो उसके निवाले का साधन होता है। लेकिन एक सोच किसान की ये भी होती है कि उसकी फसल से किसी का पेट भरेगा। ये कितना सच हो रहा है आज हम आपको यही दिखा रहे हैं। करीब एक साल पहले शासन द्वारा कटनी जिले में खरीदी गई 1,65,000 मैट्रिक टन धान ओपन कैब में रखी हुई है। सुर्खियों में रहे अकेले मझगवा ओपन कैब में 27,935 क्विंटल धान अभी भी रखी है, जिसकी सुध जिम्मेदारों ने तब तक लेना शुरू नहीं की जब आसमान से नुकसानी बारिश का मौसम आया। ये क्षेत्र है मझगवा फाटक, और धान रखी अगले साल की, जो कि हम इस धान की सुरक्षा कर रहे हैं। और ये जितने कैप हैं सब धान को ढांक रहे हैं बरसात आने के पहले, और कुल मिला के हमारे पूरे कैप डल चुके हैं। ये स्टेक हमारे हैं वो डेढ़ दो सौ के लगभग होंगे, और ऐसे हमारे पूरे स्टेकों में कवर चढ़ चुके हैं। मेरे को इसकी कैपेसिटी नहीं मालूम कि कितनी धान एक स्टेक में होती है। ये सिर्फ गोदाम प्रभारी को सर हमको मालूम नहीं है कि कितने दिन तक रखी जाती है, कितने दिन नहीं रखी जाती, ये सिर्फ हमारे गोदाम प्रभारी जी को मालूम है। राइस मिलर्स के बोल बता रहे हैं कि गलती तो हुई, क्योंकि इनको समय पर धान पहुंचा दी जाती तो इनके लिए कमाई का साधन बनती। वहीं इसके उलट अब तक जिम्मेदारों ने धान को राइस मिल पहुंचाने की सुध तक नहीं ली। धान रखी हुई है जो विगत 6 महीने से रखी हुई है, जो काफ़ी बारिश में भीग चुकी है, खुले कैपों में होने के कारण उसकी वह गुणवत्ता वह मानक का चावल नहीं बन पा रहा है। तो हमारे शासन से अनुरोध है कि ऐसी धान की मिलिंग न करवाए, और अगर करवाना भी चाहती है शासन ऐसी धान की मिलिंग, तो छाट करके हमको धान दे। जो नीचे धान सड़ जाती है, पालाग्रस्त हो जाती है, ऐसी धान का उठाव हमारी गाड़ियों में न करवाए। गलती तो हुई है जनाब, अधिकारी भी कुछ यही बता रहे हैं कि धान के स्टॉक को अपने पास सहेज कर रखने की बजाय उसे समय पर तय स्थान पर पहुंचा दिया जाना चाहिए था। जिले में भंडारण की नोडल एजेंसी जो है वो मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन है। जिले में दो एजेंसियों के भंडारण हैं, गोदाम और कैब्स, एक तो MPWLC के और एक मार्केट के। दोनों को ही ये स्टैंडिंग निर्देश उन्हीं के ख्यालय से हैं कि वर्षा काल को देखते हुए सतत निगरानी में इसको सुरक्षित रखा जाए। तो आजकल जो कैप्स हैं, जो अनकवर्ड कैप्स हैं, उनको कवर तो कर रहे हैं। ओपन कैप में धान है लगभग 1,65,000 मैट्रिक टन। इस तरह के मामले आज से सामने नहीं आ रहे, इस बार धान या अन्य उपज खराब होने के नजारे दिख ही जाते हैं। इस तरह के मामलों में कब कार्रवाई होगी, जिम्मेदारों पर कब गाज गिरेगी, ये इंतजार की बात है। कटनी से संवाददाता आदेश खरिया की रिपोर्ट।